हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एंजल ट्रेडिंग फ्रेंड। आज मैं आप लोग के लिए और एक नई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताना चाहता हूँ। ये मेरा सेकंड स्ट्रेटजी है नई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में। बहुत लोगों को बहुत सारे डाउट था और देर वॉज बहुत लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन कि कैसे करना है, इक्विटी में करना है, फ्यूचर्स में करना है, कितना स्टॉप लॉस रखना है, सेल कैसे करना है, शॉर्ट कैसे करना है, वो सब कन्फ्यूजन था। तो सब कन्फ्यूजन मिटाने के लिए मैंने ये मारुति का ऊपर एक स्ट्रेटजी बनाया है। अभी नाइट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बहुत इजी है, बहुत सिंपल है और ये भी स्ट्रेटजी यूज करके आपको आपका मनी डबल ट्रिपल कर सकते हैं और वो भी आप नाइट में कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत नहीं है, कोई फंडामेंटल एनालिसिस की जरूरत नहीं है, चार्ट ओपन करने का जरूरत नहीं है, कोई भी इश्यूज नहीं है। सिंपल इजी वर्क, एनी बिगिनर जो भी ट्रेडिंग पहली बार कर रहे हो सब लोग के लिए ये यूज कर सकते हैं और वेरी वेरी इजी है। मैं ये कोट और एक बार बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, टू गेट रिच यू मस्ट बी प्रॉफिटिंग वेल यू आर स्लीपिंग। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को नाइट में प्रॉफिट करने के लिए मैं आप लोग को ये मेरा सेकेंड स्ट्रेटजी बताना चाहता हूँ। ये स्ट्रेटजी और बहुत सारे स्टॉक्स में यूज कर सकते हैं, तो फिलहाल के लिए ओली मारुति में यूज कीजिए। जब तक मैं बताता हूँ तो सिर्फ ओली मारुति में यूज कीजिए। तो चलिए स्ट्रेटजी देखेंगे कैसे है, क्या है ये स्ट्रेटजी। के लिए भी हमारा लॉजिक ये है, ह्यूमन साइकोलॉजी, हम ह्यूमन साइकोलॉजी को यूज करके प्रॉफिट कमाएंगे। ओके, तो एक सिंपल एग्जांपल है, जैसे मैंने पहले बताया था, अगर आप लोग का पास इंफोसिस का शेयर है और इंफोसिस का परफॉर्मेंस खराब है और प्राइस गिर रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे? ऑटोमेटिकली जो वर्किंग पीपल है वो लोग नाइट इवनिंग घर आने के बाद, न्यूज देखने के बाद परेशान होकर नेक्स्ट डे इमीडिएटली ब्रोकर को फोन करके बोल देते हैं, बॉस मेरा प्राइस शेयर सेल कर दो, तो ऑटोमेटिकली और प्राइस गिरता रहेगा। इन द सेम वे, अगर मान लो कोई कंपनी को बड़ा न्यूज मिला है, बड़ा इन्फॉर्मेशन मिला है, तो ऑटोमेटिकली आप लोग क्या करेगा, स्टॉक का वैल्यू बढ़ेगा और आप लोग कल मॉर्निंग फोन करके बोलेगा भाई मेरा स्टॉक का वैल्यू और ज्यादा करो और इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा बढ़ाओ। इसके लिए हम लोग ने ये स्ट्रेटजी में वही साइकोलॉजी यूज करके ट्रेडिंग करने का कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए देखेंगे क्या है। इसमें भी आपको अलार्म रखना है 3:15 का बाद आप लोगों को ट्रेडिंग टर्मिनल एंटर करके इसमें ट्रेड स्टॉक बाई करना है। ओके, तो बिफोर 3:30 बाई करना है, 3:15 टू 3:30 का बीच में जो भी प्राइस है आप लोग देखे, क्लोज टू 3:30 जो प्राइस है वो आप लोगों को बाई कर सकते हैं। ओके, वो बाई करने के लिए कंडीशन सिंपल है, चेक द प्राइस ऑफ मारुति इक्विटी। ये हम सिर्फ इक्विटी में कर रहे हैं क्योंकि फ्यूचर्स बहुत लोगों को परेशान होता है और फ्यूचर्स में बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, उसका कैपिटल भी ज्यादा चाहिए, वो सब टेंशन है। इसके लिए मैंने इक्विटी में ही एग्जांपल बना दिया, वीडियो बना दिया। तो आप लोगों को सिर्फ मारुति इक्विटी का प्राइस देखना है, अगर उसका क्लोज प्राइस मतलब ऑलमोस्ट 3:20-3:15 का प्राइस अगर ओपन प्राइस से ज्यादा है तो इसका मतलब आज का दिन ओपन कर रहा है, सिंपल। और इक्विटीज में हमको सेल नहीं कर सकते, शॉर्ट नहीं कर सकते, तो जो शॉर्ट करने का टाइम हमको शॉर्ट ट्रेड नहीं लेना है, सिर्फ ओनली बाई करना है और बाई करके ही हम लोग को डबल प्रॉफिट कमा सकते हैं, ट्रिपल प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। ओके, तो आप लोगों को मालूम है, मैं पूरा आपको बैक टेस्ट डेटा भी दिखाता हूँ। तो उससे पहले और एक बार रिपीट करता हूँ स्ट्रेटजी सिंपल है, चेक मारुति इक्विटी प्राइस, अगर मारुति इक्विटी का प्राइस ओपन प्राइस से ज्यादा है 3:15 का बाद, तो आप सिंपल है बाई कर लो। ओके, बाई करके छोड़ना है, सिंपल। और नेक्स्ट डे 9:15 में जब मार्केट ओपन होता है उस टाइम उसको सेल करना है, ज्यादा टाइम मत रखिए। जो लोग का पास डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है तो वो लोग के लिए फंड का जरूरत रहेगा, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 9:15 मॉर्निंग पे डायरेक्टली सेल करके आपका डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को अगर कंफ्यूजन है क्या करना है, मेरे को अगर एंड ऑफ द डे तक वेट करना है, वो सब करना है, तो वो लोग के लिए आपका आपका क्या बोलना है, इट इज योर चॉइस, करना है तो कीजिए, बट मैं सिर्फ आप लोग को 9:15 में स्क्वायर ऑफ करने का आइडिया दे रहा हूँ। ओके, और एक चीज है, बहुत लोग मेरे को पूछ रहे हैं सर मेरा ब्रोकर ने ट्रेड करने के बाद एक दिन का बाद ही मेरा अकाउंट में अमाउंट रिफ्लेक्ट करता है, तो आप क्या करना है, आपका ब्रोकर से एक बार बात करके देखिए, नहीं तो चेंज कीजिए। यार बहुत सारा ब्रोकर है आजकल, कंपटीशन भी ज्यादा बढ़ गया, तो बहुत सारा ब्रोकर है जिसमें आप ट्रेड करेंगे तो इमीडिएटली आपका अकाउंट में आपका पैसा आपका होल्डिंग्स रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो वो आपको इमीडिएटली आज सेल करके कल बाई भी कर सकते हैं। ओके, मनी मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक शेयर परचेस करने के लिए जो शेयर प्राइस है वही प्राइस में परचेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों का पास 5000 रुपीज है और मारुति का स्टॉक प्राइस 5000 रुपीज है, तो एक शेयर परचेस कीजिए। अगर आप लोग का पास 50,000 है तो 10 शेयर परचेस कीजिए, अगर आप लोग का पास 5 लाख है तो 100 शेयर परचेस कीजिए, इतना ही सिंपल है।
और आपको कंटिन्यूसली कॉम्पाउंड करना। कॉम्पाउंड करने का मतलब यह है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट 50,000 से 55,000 हो गया, इसका मतलब क्या है, आप लोग को 10 शेयर से 11 शेयर परचेस करना है। जब भी आपका प्रॉफिट 5,000 इंक्रीज होगा तो एक एक लॉट इंक्रीज कीजिए, सॉरी एक एक शेयर इंक्रीज कीजिए। ओके, और इसमें स्टॉप लॉस नहीं है क्योंकि ये तो नाइट वाला स्ट्रेटेजी है, इसमें स्टॉप लॉस नहीं रख सकते। इसके लिए मैंने मारुति सेलेक्ट किया क्योंकि मारुति नाइट में ज्यादा फर्क नहीं आएगा और ये भी प्राइस का वैल्यू, मारुति शेयर प्राइस बहुत ज्यादा है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है दोस्तों, रिजल्ट्स बहुत अच्छा आया है, आपको अमाउंट आपको इजीली डबल कर सकते हैं। ओके, वो भी जब आप स्लीप कर रहे हैं, नाइट में जब सो रहे हैं तो उस टाइम आपका मनी इजीली डबल कर सकते हैं। ओके, तो आगे जाने से पहले मैं मेरा एक्सेल बैक टेस्टेड फाइल दिखा देता हूँ आप लोग को, और जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग के लिए बताना चाहता हूँ कि ये मेरा चैनल है एंजल ट्रेडिंग फ्रेंड। ओके, इसमें बहुत सारा इक्विटीज और कमोडिटीज का स्ट्रेटजीज है और वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही है। और मेरा स्ट्रेटजीज का एक स्पेशलिटी ये है कि ये सब वर्किंग प्रोफेशंस के लिए है क्योंकि आपको सिर्फ 5 मिनट का टाइम का जरूरत है, और ये बिगिनर्स के लिए भी है क्योंकि स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस का जरूरत नहीं है। सिंपल ह्यूमन साइकोलॉजी फॉलो करके हमने पैसे कैसे कमाना है वो सब मैं इसमें डिटेली बताया। तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए, आपको रेगुलरली जो जो मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ वो आपको सब मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, एक्सेल फाइल दिखा देता हूँ आप लोगों को, मेरा बैक टेस्टेड डेटा मैंने पूरा ऑलमोस्ट 3-4 साल पहले देख के करके देखा, वो सब परफॉर्मेंस अच्छा आया है। इसके लिए मैंने अभी लेटेस्ट फाइल ही लेके आपको दिखाना चाहता हूँ। लेटेस्ट फाइल देखिए, जैन 2017 से लेके आज तक 11 सितंबर का भी मैंने बैक टेस्ट करके आप लोग के लिए रेडी करके रखा हूँ। ओके, चलिए दोस्तों स्ट्रेटजी क्या है देख लेंगे। 2 तारीख मार्केट ओपन हुआ एट 5,320, ओके, और क्लोज हुआ एट 5,466। इसका मतलब क्या है, क्लोज प्राइस इज ग्रेटर देन ओपन प्राइस, तो आज हमको क्या करना है, बाई करना है। और बाई के लिए मैंने इधर स्ट्रेटजी बता का फिल्टर डाला है, मैंने 1 डाला है और जो भी सेल्स है उसमें मैंने 0 डाला है। ओके, तो ये पर्टिकुलर एग्जांपल 2 जनवरी को हमको बाई करना है। ओके, मान लीजिए आप लोग ने 5,466 पे बाई किया और मार्केट गया, नेक्स्ट डे ओपन हुआ एट 5,466, ज्यादा फर्क नहीं है, ज्यादा चेंजेस नहीं है, इसके लिए आपको देखा अदर 0.0 है। और एक एग्जांपल देखेंगे, 3 तारीख मार्केट ओपन हुआ एट 5,466 और क्लोज हुआ एट 5,508, इसका मतलब क्या है, क्लोज इज ग्रेटर देन ओपन, तो हम लोग को आज भी बाई करना है। मान लीजिए अगर 5,508 पे आप लोग ने बाई करेगा तो नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ एट 5,530, तो इमीडिएटली सेल करना है। दोस्तों 5,555 तक भी गया है, अगर आप इंतजार करेगा आप लोगों को पक्का ये प्राइस तो मिल जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं सर ये ओपन प्राइस एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, बट देखिए दोस्तों मार्केट ऊपर गया उसका बाद नीचे आया, उसका मतलब आप लोग आराम से ओपन प्राइस से ज्यादा ही परचेस कर सकते हैं। ओके, तो आराम से थोड़ा पेशेंस रखिए, 90% ऑफ टाइम आपको एग्जैक्ट प्राइस में मिल जाएगा। अगर थोड़ा कुछ स्लिपेजेस है तो भी चलेगा, आपको थोड़ा प्रॉफिट में कम होगा बट फिर भी आपका प्रॉफिट परसेंटेज बहुत ज्यादा है, उसमें आपको थोड़ा कम होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल में आपने देखा, हमने 5,508 में बाई किया था और नेक्स्ट डे 5,530 में सेल किया और हम लोग को प्रॉफिट मिला 21.6। ओके, तो और एक एग्जांपल दिखा देता हूं आप लोगों को, 4 तारीख मार्केट ओपन हुआ एट 5,530 और क्लोज हुआ एट 5,502, उसका मतलब क्या है, हम लोगों को सेल करना है। ओके, इसके लिए मैंने इधर 0 डाला है और आप लोगों को मालूम है इक्विटीज में सेल नहीं कर सकते, इसके लिए छोड़ दिया मैंने, कोई डाला नहीं। तो सिर्फ बाई कीजिए, जिस दिन में क्लोज का प्राइस ज्यादा है तो वही दिन में आप लोग को सब बाई करना है और बाई करके जाइए, सिंपल है, इतना ही है, इजी है। अभी चलिए अमाउंट देखेंगे, मैंने सिर्फ 100 शेयर्स का एग्जांपल लिया हूँ, मैंने ज्यादा नहीं लिया, एक लॉट साइज भी नहीं लिया, सिर्फ 100 है। ओके, सो 100 लेके हमने देखेंगे कितना प्रॉफिट कमा सकता है। तो हम लोग ने 1 लाख से अगर चालू करेगा तो देखिए कंटिन्यूसली प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है और ये सब नाइट में हो रहा है जब आप लोग सो रहे हैं। ओके, तो यू कैन सी लेटेस्ट सितंबर 8th में ऑलरेडी मार्केट पहुंच गया एट 2,15,750 और वो भी बिना कोई कॉम्पाउंडिंग, बिना कोई मनी मल्टीप्लायर। ओके, देखिए मैंने अभी भी इसमें 100 पॉइंट्स का ही मल्टीप्लाई किया हूँ। ओके, सो जैसे मैंने बताया था कॉम्पाउंडिंग करना है,
फॉर एग्जाम्पल इधर देखिए, पहला दिन आपको कोई प्रॉफिट नहीं है, सेकेंड दिन आपको मिला 2,000 रुपये, तीसरा दिन मिला 1,500। ओके, और ये देखिए ऑन थर्ड डे आप लोगों का क्यूमुलेटिव प्रॉफिट हो गया 5,815। इसका मतलब क्या है, एक लॉट का प्राइस 5,300 चेंज है, तो आप लोग का लॉट साइज इंक्रीज कर सकते हैं। अभी इधर देखिए, फिलहाल मैंने 100 ही लिया हूँ कैलकुलेशन सेक के लिए। ओके, तो आप लोग को क्या करना है, इधर 101 लेना है। सेम जब इधर देखिए 24 जैन को 10,000 पहुंच गया प्रॉफिट। ओके, 1,10,000 हो गया। 1,10,000 का मतलब फिर से हमको दो लॉट परचेस करना है एक्स्ट्रा, तो मैंने सिर्फ 100 लिया उधर, पॉइंट्स इंटू 100। आप लोगों को पॉइंट्स इंटू 102 करना है, मतलब 102 शेयर्स बाय करना है। तो दोस्तों ऐसे डेली कॉम्पाउंड करके जाइए, बहुत सेफ है, बहुत ईजी है, ज़्यादा लॉस नहीं रहेगा इसमें, क्योंकि मारुति एक बड़ा स्टॉक है, जैसे मैंने बताया था इसमें लॉट साइज भी कम, लॉट्स का साइज भी कम है, इसके लिए ज़्यादा लॉस नहीं रहेगा। तो इसके लिए मारुति सेलेक्ट कीजिए और निश्चिंत होकर ट्रेड कीजिए, बहुत ईजी है, सिंपल है, और नाइट में सोते सोते ही आप लोगों को मनी डबल कर सकते हैं बिना कोई टेंशन, बिना कोई प्रेशर। ओके, तो लेट मी समराइज, सिंपल है, अलार्म रख लीजिए 3:15, 3:15 का बाद आप लोगों को सिर्फ बाई करना है बिफोर 3:30, उसका बाद कंप्यूटर बंद करके नाइट में आराम से सोजिए, सो जाइए आराम से, मॉर्निंग 9:15 को उठ के आप लोग सेल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, सो दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू। अगर जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, मैं इसे हमेशा वीकली वीकली नया नया स्ट्रेटेजी डालता रहता हूँ। और आप लोगों का अगर कोई डाउट है, अगर बैक टेस्टेड फाइल चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप कीजिए 8095876525, 8095876525। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।